नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं, जिसका टॉपिक है एक कोर्स ओवरव्यू कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग जो कोर्स है। तो मेरे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि सबसे पहले ये बताएंगे इनका कोर्स कौन सा था और कॉलेज कौन सा था और कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, कोर्स में कितने आवर्स की इनकी क्लासेज होती थी पर वीक और कोऑप थी या नहीं थी, ये सारा सिनेरियो ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको वेलकम करता हूँ अपनी वीडियो में, और इनका नाम मैं बताता हूँ, इनका नाम ब्रजेश कुमार है, ये इंडिया से हैं। तो ठीक है, अब हम इनसे इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, इनके कोर्स का पूरा ओवरव्यू लेते हैं, जिससे आपको कोई हेल्प हो। तो ठीक है, वेलकम। हाय एवरीवन। तो मेरा कोर्स था कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग। तो ये 2 साल का कोर्स था और एलिजिबल था थ्री ईयर वर्क परमिट के लिए। तो मैं था जनवरी 2022 में। तो जनवरी इंटेक के चलते मेरा कोर्स शुरू हुआ था, तो उसी वजह से इस कोर्स में कोई भी ड्रॉप नहीं था। मई वालों को भी ड्रॉप नहीं होता, सितंबर वालों को होता है मे बी। तो कोर्स मेरा था विंडसर कैंपस सेंट क्लेयर। तो जो क्लासेस स्टार्टिंग वाली थी, तो कोरोना उस टाइम ख़त्म होने की कगार पर था, तो फर्स्ट सेम मेरा ऑनलाइन था, बाकी सारे सेमेस्टर ऑफलाइन गए थे। तो वैसे ऑफलाइन क्लासेस 5 डेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो 5 डेज पर वीक आपकी क्लासेस होंगी। हाँ, तो इस टाइम पे मुझे बता दो, ये क्वेश्चन मुझे बाद में पूछना चाहिए पर मैं पहले पूछ रहा हूँ, पार्ट टाइम कैसे एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब का कैसे फिर मैनेज करता है, तो क्या स्ट्रगल्स होते हैं उनके पार्ट टाइम? वो लोकेशन आपके कॉलेज और क्लासेस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वो विंडसर में जॉब्स वगैरह वैसे भी थोड़ी कम है, तो स्टूडेंट ज़्यादा है क्योंकि मेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काफ़ी हैं वहाँ पर। वहाँ का वीज़ा भी जल्दी लगता है क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा है, सीट्स भी ज़्यादा है, डेफर वगैरह ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो इसी बात से वहाँ पर काम की थोड़ी दिक्कत है। तो जैसे कि 5 दिन क्लासेज हैं, तो वीकेंड में अगर आपको पार्ट टाइम मिल जाता है वहाँ पर तो बढ़िया है। वैसे 5 दिन क्लासेज में मेरे कोर्स में ऐसा था कि 3 या 4 दिन ऐसे होते थे कि आपको कॉलेज जाना ही पड़ता था, क्योंकि कुछ लैब्स थी और लेक्चर थे, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको अटेंड करने पड़ते हैं, वो 2% के वहाँ पर लैब्स होती हैं या फिर 4% की, तो मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम की बात होगी, ये क्वेश्चन बाद में पूछना चाहिए बट मैंने पूछ लिया पहले। अब मुझे ये बताओ कि अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बता दो कि कितना डिफिकल्ट है, अगर क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि इस कोर्स के बारे में बता दो कि डिफिकल्टी लेवल कितना है, कि अगर एक मीडियोकर स्टूडेंट आ रहा है या एक एवरेज स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए कितना टफ होगा इस कोर्स को मैनेज करना, और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बता दो। ओके, सो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि डिफ़िकल्ट जो नहीं है वो क्या है। जो जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन जो लेता है बेसिकली नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा, तो उसके लिए ये इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट रहें स्टडी के साथ तो ये कोर्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप अटेंड करते हो लेक्चर तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस ऐसा है कि एक प्रोग्रामिंग इसमें ऐसा मॉड्यूल है जिसके साथ हम फेमिलियर नहीं होते। तो अगर आप इंडिया से कोशिश करें कि अगर आपकी पहले या फिर पहले आप कोई कोर्स 1-2 महीने का जावास्क्रिप्ट HTML वगैरह सब सीख कर थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आप सीख कर आ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप पैनिक नहीं होंगे कोर्स में चल रहे। ठीक है, तो आपने इन जावा के बारे में बताया, HTML के बारे में बताया, इससे थोड़ा और बेसिक कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये कितना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए? ये MS एक्सेल या फिर MS ऑफिस की बात जैसे आप करते हैं, वो सभी कोर्सेज में, कंप्यूटर कोर्सेज, साइबर कोर्सेज में, वो तो एक बेसिक चीज़ होती है, वो हर एक कोर्स में होता ही है, जो हमारे कोर्स में भी था। तो उसमें मेन था फर्स्ट सेम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेकंड सेम में डाटाबेस, एंड थर्ड में तो नहीं था मे बी, तो ऐसा है। ठीक है, ये 2 ही थे। और क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैपटॉप, एक स्टूडेंट के पास लैपटॉप होना जरूरी है, अगर लैपटॉप है तो कौन सा मॉडल चाहिए, बेसिक मॉडल से काम चल पड़ता है या i3 i5, क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं और घर वालों को फोर्स करते हैं कि हमें लैपटॉप लेके दो, अगर इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? हाँ, तो जैसे पहले मेरे माइंड में था कि लैपटॉप मिनिमम मतलब बहुत ज़्यादा पावर वाला भी ना हो, जैसे गेमिंग लैपटॉप की स्टडी, बट आखिरी में हमको PHP कोर्स आया था एक, और लिनक्स में ऐसा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ा लैपटॉप बढ़िया वाला चाहिए। तो मेरे पास नॉर्मल लैपटॉप था, एसर का, 50,000 की रेंज में था। अच्छा, तो वो काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप काफ़ी बच्चों के पास था वो, तो उसमें वो प्रोजेक्ट में ऐसा होता था कि वर्चुअल मशीन वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है और वर्चुअली हम लिनक्स को स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वो उस लैपटॉप में पॉसिबल नहीं था। तो उसी लैपटॉप का थोड़ा सा अपग्रेडेबल वर्जन, राइजन वगैरह, तो अगर आप उसे प्रेफर करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है,
तो आपने बोला कि आप जनवरी इनटेक में आए थे, इस कोर्स को लेने के लिए कौन कौन से इनटेक होते हैं, और जैसे आपके आपके इनटेक में कोअप थी, और ड्रॉप के बारे में बताओ कि हाँ जनवरी इनटेक वालों को ड्रॉप मिलता है? नहीं, जनवरी इनटेक में ड्रॉप नहीं होता मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है, और उसके बाद कौन सा इनटेक होता है? मई इनटेक होता है, मई इनटेक एंड लास्ट वन इज सितंबर। और मई और सितंबर में ड्रॉप होता है? मई में भी नहीं होता, कुछ कॉलेज हैं वहाँ पर होता है, बट जो सितंबर होता है उसके उसका तो होता ही। जैसे आपने बताया कि सेंट क्लेयर से पास आउट हो और ये कोर्स आपने सेंट क्लेयर से किया विंडसर में जो मेन कैंपस है, अच्छा यही कोर्स सब कैंपस में है, जैसे छोटे छोटे कैंपस होते हैं सेंट क्लेयर कॉलेज, जैसे मिसिसागा में है वहाँ पे अवेलेबल है ये कोर्स? हाँ है। उसमें आपको एक शॉकिंग बात, जब मुझे पहली बार पता लगा था तो मिसिसागा में, अगर आप ये कोर्स मिसिसागा कैंपस में लेते हो तो इसकी क्लासेस 2 और 3 डेज है। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंस है। जैसे आपने बोला कि विंडसर में मेन कैंपस में अगर आपको एक कोर्स मिल रहा है वहाँ पे 5 दिन क्लासेस है ऑफलाइन, और उसी कोर्स को अगर आप मिसिसागा कैंपस में करते हो सेंट क्लेयर कॉलेज की, तो 2 से 3 दिन। हाँ, 2 से 3 दिन या 4 दिन, उसमें भी आपको 2 दिन मैंडेटरी होंगे, कभी कभी 3 होंगे। अच्छा से, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ जो क्या वेटेज होती है थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की, प्रैक्टिकल जरूरी होते हैं थ्योरी जरूरी होती है, और क्या क्लासेस में अटेंडेंस होती है, क्या जरूरी है कि आपको क्लास लगानी ही लगानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस कैसा है कि अटेंडेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, आप कॉलेज आए ना आए, ठीक है, वो कोई वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह इस कोर्स में तो नहीं है। बाकी कुछ क्लासेस होती हैं जो कि आप लेक्चर लगाते हैं, वहाँ पर लेक्चर के दौरान कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आपके 100% में से जितनी लेक्चर लगे 2% की होती हैं, कोई 1.5% की, कोई 3% की भी हो सकती है, तो ऐसा होता है। बाकी दूसरा टीचर पे भी डिपेंड करता है, आपको टीचर कैसा है, जैसे कि वहाँ पर एक ही काफ़ी सेक्शन होते हैं, सभी को टीचर्स अलग अलग होते हैं, तो कुछ टीचर ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि एक्टिविटी हम आपको दे देते हैं, आप घर से भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज मेन जो कुछ टीचर कुछ होते हैं वो ऐसा करते हैं कि आपको लेक्चर में आना ही पड़ेगा, टाइम पर आना पड़ेगा, वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा, तो ऐसा। आपका बैकग्राउंड क्या था, प्लस टू आपने की किस स्ट्रीम में? साइंस। साइंस में किया आपने, नॉन मेडिकल। कितनी बैंड की क्राइटेरिया होता है कि कितनी एलिजिबिलिटी होती है? एलिजिबिलिटी ऐसी है कि इसमें आपको मिनिमम ईच 6 अगर आपके होते थे उस टाइम पे, अच्छा, तो काफी श्योरिटी होती थी कि आपका वीजा लगे, क्योंकि आपकी फाइल लगती थी SDS में। अच्छा। बट हमारे कैंपस में मैंने बच्चे देखे हैं, मेरे फ्रेंड भी कुछ हैं जो कि PTE करके भी आए हैं। अच्छा। जिनके कईयों के बैंड ओवरऑल 5.5 नहीं है, 2 मॉड्यूल में 5 पॉइंट है या 1 में 5 पॉइंट है, फिर भी वो बच्चे यहाँ पर एनरोल हो गए, ठीक है, ऐसा मैंने देखा। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं कि सेंट क्लेयर कॉलेज में अगर आपको ऑफर लेटर मिल रही है, बच्चे फीस पे कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी एडमिशन कैंसिल कर दी जा रही है, क्या ये सच है? हाँ, वो कैंपस में भी मुझे लगता है कि वो कैंपस मिसिसागा वाला जहाँ पे इस एरिया का होगा, क्योंकि जो सीट्स वहाँ पर विंडसर में होती हैं वो काफ़ी कंपेयर टू मिसिसागा कैंपस काफ़ी कम होती हैं, कि जैसे कि सीट्स वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, चांसेस कम होते हैं कि वहाँ पर आपका रिवोक हो जाए। अच्छा। बट अगर आप काफ़ी इनटेक, आप जो नेक्स्ट इनटेक आने वाली है, अगर आप उसमें काफ़ी मंथ्स पहले आप सब कुछ अप्लाई कर देते हैं तो आपको सीट जरूर मिल जाती है, ऐसा। अभी हम कोऑप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कोऑप कंपोनेंट इस कोर्स में, जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले पूछूंगा कि कोऑप पेड है या नॉन पेड है, और उसके बाद क्या कोऑप जरूरी है करनी, क्या आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो, अगर ड्रॉप आउट करते हो कोऑप को क्या इसका कोई इफेक्ट होता है आपके वर्क परमिट पर, तो सबसे पहले आप बता दो कि कोऑप मैंडेटरी है या नहीं। तो अब सारे क्वेश्चन और डाउट्स एक में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। जैसे जो मेरा कॉलेज है, तो मेरा कोर्स है उसमें जो कोऑप है वो मैंडेटरी नहीं है, कि जैसे आप ग्रेजुएट करते हो तो आप सीधा आपको डिग्री मिल जाएगी। अच्छा। बट जो कोऑप है वो आपके आपके ऊपर है, अगर आप बाहर कहीं कोऑप ढूंढ लेते हो तो आप, अच्छा है आपके लिए, वहाँ पर आप 4 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो, आपके करियर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, शायद आप वहाँ पर फुल टाइम भी हो जाएं, तो वो एक अच्छी बात है। तो कॉलेज का कोऑप के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको उनकी पॉलिसी में ऑफर लेटर में चेक करना पड़ेगा कि आपकी कोऑप मैंडेटरी तो नहीं है, अगर मैंडेटरी कोऑप हुई तो आपको मैंडेटरी कोऑप लगानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपको आपका वो मिलेगा, ग्रेजुएशन लेटर मिलेगा, आपकी स्टडी फिर ही कंप्लीट होगी। तो उन कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अगर आपको बाहर कहीं कंपनीज में जॉब नहीं मिल रही तो आपको अनपेड जॉब करनी पड़ती है कॉलेज के अंदर ही, कॉलेज वाले आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं, उसके आपको कोई पैसे नहीं मिलते, तो वो आपको 4 महीने के लिए करना पड़ेगा, वो भी अच्छा है क्योंकि उसमें आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, बट आप कुछ अर्न नहीं करोगे उसमें, ठीक है। अच्छा, ये बता दो क्या कॉलेज हेल्प करती है स्टूडेंट्स की कोऑप फाइंड आउट करने में? कुछ कॉलेज जैसे कि मेंशन मैं नहीं करूंगा, बट कुछ अच्छे वाले कॉलेजेस हैं, जैसे यहाँ पर
सैनिका कॉलेज कह सकते हैं और भी फैंशियो कॉलेज हो गया, हाँ फैंशियो कॉलेज मेन कैंपस हो गया, कुछ अच्छे कॉलेजेस है वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कॉप ढूंढने में। तो जैसे जो हमारा कॉलेज है उसमें वो ऐसा है कि वो आपको वे बता देंगे अपनी वेबसाइट पर, या फिर आप प्रोफेसर वगैरह से पूछ सकते हो, आपको रास्ता बता देंगे, बाकी अप्लाई वगैरह करना कैसे करना वो सभी आप पर है। अच्छा, तो ये बता दो जैसे आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, तो आपका कोई नोन होगा जिसको कोऑप लगी हो इस कोर्स में, हम आज इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कोर्स में किसी कोऑप लगी हो, पेड कोऑप या नॉन पेड, कोई एक्सपीरियंस हो आपके, आपने देखा हो कुछ? एक्चुअली एक लड़का था बट वो मेरा इतना नोन नहीं है, शायद अगर नोन इतना ज्यादा होता तो हम वीडियो में भी ले जाते, बट उसकी कोऑप लगी थी। अच्छा, उसका ऐसा था कि वो अपने करियर को लेकर काफी फोकस था, उसने हर एक प्रोग्राम और कोर्स को बहुत सीरियसली लिया, तो उसकी कोऑप लगी, उसने काफी मेहनत की थी, तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज थी उसको काफी ज्यादा। अच्छा। बाकी जो सर्कल मेरे में फ्रेंड्स वगैरह हैं काफी, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन एक गोल था उनके लिए। अच्छा, कोई पास आउट होता है अगर उसको जॉब मिलती है तो क्या स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्या एस्टिमेटेड सैलरी एक फ्रेशर के लिए? ओके, तो वो एंट्री लेवल पोजीशन होती हैं, उसमें आपको अगर आप प्रोग्रामिंग वाली फील्ड में आपको मिली है तो बेसिक एचटीएमएल वगैरह जावा के रिलेटेड होती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग 18 तो मिनिमम इतनी होती है, 18 पर आवर अच्छी जॉब होती है वैसे। अच्छा। वो वाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं, तो इतनी तो मिनिमम होती है। और कैसे, कब एक एक्यूरेट टाइम होता है स्टूडेंट के लिए कोऑप फाइंड आउट करना, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं कोऑप करूं तो किस सेमेस्टर में जाके वो कोऑप फाइंड आउट करे? अगर आपको पक्का है कि आपने कोप लेनी है, बाहर कहीं इंटर्नशिप अपनी लगानी है, अपने करियर पर फोकस करना है, उसी लाइन में जाना है, तो आपको इसका कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं, आपको शुरू से ही आपको सर्च वगैरह करनी पड़ेगी कि हाँ अभी करनी पड़ेगी नहीं, आपके लिए अच्छा है कि आपको पता हो कि कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, किसकी कौन सी कंपनीज हैं जो कि वो कोप ख़त्म होने के बाद भी आपको रखती हैं, को कितने ज़्यादा रखती हैं, ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत फ्री टाइम रिसर्च करें तो अच्छा है। बाकी आपको मेन फोकस फोर्थ सेम में लगाना पड़ेगा, आपके कई प्रोफेसर भी काफ़ी हैं वहाँ पर, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको रास्ता दिखाने में, कि आप उनके साथ मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हो, या फिर आप उनके साथ वैसे बात कर सकते हो लेक्चर के बाद कि मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ, उनको काफ़ी नॉलेज होती है। ठीक है, अब थोड़ा कोर्स कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस सेमेस्टर में कितना टफ और कौन कौन से कोर्स होते हैं। ओके, तो जो टफनेस की बात है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता था, मेरे लिए टफ सिर्फ जावास्क्रिप्ट थी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं, वो शुरू में जैसे पैनिक कह सकते हैं वैसे मुझे थोड़ा सा हुआ था, बट मैं मुझे पता था कि वो हार्ड होगी, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी स्टडी की, लेक्चर वगैरह कोई नहीं छोड़ा और थोड़ा कनेक्टेड रहा, तो वो भी इजी रही। सभी कोर्सेज ऐसे ही हैं, अगर हम कोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट सेम में कोर्सेज है नेटवर्किंग वन। अच्छा, जो नेटवर्किंग वन है वो आपको चार सेमेस्टर में आएगी, नेटवर्किंग वन टू थ्री फोर, तो उसके बाद प्रोग्रामिंग बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मैथ्स आएगा, मैथ्स आपको सिर्फ एक बार आएगा फर्स्ट सेम में। अच्छा, और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट सेम में, तो इसके बाद आता है कनेडियन कल्चर, कनेडियन कल्चर या ऐसा कोई कोर्स होगा भाई, ये कह सकते हैं कि एक तरह का इलेक्टिव कोर्स है, जैसे कि थ्योरेटिकल कोर्स है, आपको सिर्फ ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि मैथ्स भी है, तो कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि मैथ्स उन्होंने मतलब टफ लगता है उनको, तो यहाँ पे टफ लेवल कितना है मैथ्स का, इजी है पास आउट करना? एक्चुअली इस कोर्स में मैथ लेवल बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, उसमें जैसे शायद हम 10th क्लास में 12th में भी शायद करते थे कि मैथ्स में सेट्स वगैरह। अच्छा। वे ही होते हैं मेन वगैरह, वही मतलब बहुत बेसिक और ईजी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा और थोड़ा डिटेल में बारे में बता दो कि सेकंड टर्म में क्या कौन से कोर्सेज आएंगे आप? जी अब मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लियर करूंगा। सेकंड सेम में हमको आई थी जावास्क्रिप्ट, जैसे कि फर्स्ट सेम में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग की एक तरह की इंट्रोडक्शन है, सेकंड सेम में जावास्क्रिप्ट वन आती है आपको, उसके साथ आपको नेटवर्किंग टू, और सेकंड सेम में आपको आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस डाटाबेस, तो वो भी एक्सेल की तरह ही होती है, वहाँ पर ऐसा ही एक एप्लीकेशन है आपको पता होगा, तो उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वन आती है, इसके बाद थर्ड सेम में आपको नेटवर्किंग थ्री होगी। इस थर्ड सेम में ये है कि इसमें आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, वैसे ऐसा है कि कॉलेज कई बार चेंज भी कर देता है, कई बार प्रोग्रामिंग पीछे कर देता है, कोई कोर्स आगे पीछे भी कुछ कोर्स हो जाते हैं, बस एक नेटवर्किंग है जो 1, 2, 3, 4 चलेगी। और थर्ड सेम में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 2 आएगी। अच्छा, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, इसमें यही होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर वगैरह डिस्क वगैरह एक्सेट्रा यही है इसमें। तो उसमें थर्ड सेम में और आपके पास आएगी नेटवर्क सिक्योरिटी 1, हाँ यही है थर्ड सेम में।
और फोर्थ सेम? तो हाँ, फोर्थ सेम में आपको नेटवर्किंग फोर जो कि है ये, तो इसमें आपको नेटवर्क सिक्योरिटी टू आएगी। वैसे नेटवर्क सिक्योरिटी जो वन थर्ड सेम में थी उसका नाम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, बट वो इसका एक तरह का सेकंड पार्ट है। उसमें बेसिक विचुअल मशीन वगैरह होती हैं, तो सेकंड में इसको नेटवर्क सिक्योरिटी वन कह सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। उसके बाद जो पीएचपी है, पीएचपी फोर्थ सेम में आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनदर। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से एक दो महीने या फिर जितना भी आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर सीख कर आएँ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम प्राइस में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेट पर भी काफ़ी मटेरियल है, यूट्यूब पर फ्री में भी अगर आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर है तो वो आप ज़रूर सीखें। तो अब हम आते हैं फोर्थ सेम में। फोर्थ सेम में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग फोर जो तो है, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी वन, और थर्ड वन इज़ पीएचपी। पीएचपी में ऐसा है कि आप सीख कर आएँ, वो थोड़ी सी टफ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो फोर्थ होता है वो आपको इलेक्टिव चूज़ करना होगा। आपके पास काफ़ी सब्जेक्ट्स होंगे, लिस्ट आपको मिल जाएगी कॉलेज की साइट पर, जहाँ फिर आपको प्रोफेसर ही प्रोवाइड कर देंगे मेल पर। तो उसमें आपको काफ़ी होंगे कि कुछ कोर्सेज ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन। अगर आपको थोड़ा इजी रखना है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, उसमें से आपको कोई भी कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपका इलेक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा आपने बताया कि ये कोर्सेज का आपने डिस्कस कर दी। अच्छा मुझे बताओ कि अगर किसी स्टूडेंट की पार्ट टाइम जॉब लग जाती है बीच में रहते हुए, और ये कोर्सेज भी हैं जो कि मुझे हैवी साउंड कर रहे हैं, तो कितना एक स्टूडेंट को टाइम डिवोट करना पड़ेगा स्टडी में और एक काम पे भी, मतलब कैसे वो बैलेंस मेंटेन करें? एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन होता है कि वो उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कैसे अपना काम और वो मैनेज करता है। मैंने देखे हैं स्टूडेंट स्टडी भी अच्छे से कर लेते हैं और मैनेज भी कर लेते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है कि कोई क्लास, हाँ भी ये क्लास ज़रूरी भी है और मेरा काम भी है, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है, आप स्वैप भी करा सकते हो क्लास। लाइक अगर अंकित भैया की इसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा इसमें यह है कि आपको जिस क्लास में आप जाना चाहते हो वहाँ पर भी आपको कोई स्टूडेंट चाहिए। तो जैसे मैंने अंकित भैया से बात की कि आप मेरे सेक्शन में आना चाहते हो, अच्छा, तो वैसे आप बात करके आप सेक्शन भी स्वैप करा सकते हैं। वैसे काफ़ी क्लासेज, जैसे आप हम एक पोर्शन लेकर चलते हैं 100% क्लासेज, उसमें 55% टू 60% क्लासेज रहती होती हैं जो कि आज ज़रूरी होती हैं, अटेंड करनी ज़रूरी होती है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें ब्रजेश कुमार ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया अपने कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में। और ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आप कमेंट सेक्शन में भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट है वो रिजोल्व करें। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम सेंट्रल कॉलेज से रिलेटेड कोई और वीडियो भी बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।